ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पिछले जन्म में उसकी लवर के द्वारा मार दिया जाता है। वो लड़का नंबर वन एल्केमिस्ट बनना चाहता था, पर वो लड़की एक ग्रेट एल्केमिस्ट थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उससे आगे निकल जाए। पर इस नए जन्म में वो लड़का एक ग्रेट एल्केमिस्ट बनने की जर्नी को तय करेगा, साथ ही वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट भी बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज काफी पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें ड्रैगन क्लिफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम सुबे हुआंग नाम के एक एल्केमिस्ट को देखते हैं जो एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन कर रहा होता है। तभी वहाँ रो किंग आ जाती है जो एक हाई लेवल की एल्केमिस्ट होती है। वो सुबे हुआंग से कहती है कि तुम खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, तुम इस एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन नहीं कर पाओगे। बेई हुआंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रो किंग कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ। इससे वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। रो किंग कहती है कि इस दुनिया में केवल मैं ही ट्रू मैजिक एलिक्सिर को रिफाइन कर सकती हूँ। मैं इस एशियन मेडिसिन कॉन्टिनेंट की बेस्ट एल्केमिस्ट हूँ, मैं तुम्हें खुद से आगे बढ़ने नहीं दे सकती। बेई हुआंग उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैंने इस एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि मैं इस पिल की मदद से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। रो किंग कहती है कि तुम अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी। और अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेती है। बेई हुआंग उसकी हेवनली फ्लेम को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हेवनली फ्लेम रैंकिंग की सेकंड नंबर की फ्लेम थी जिसका नाम ताइची हेवनली फ्लेम था। बेई हुआंग उसे कहता है कि यह फ्लेम तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। रो कहती है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपनी हेवनली फ्लेम की फिनिक्स फॉर्म से उस पर अटैक कर देती है। बेई हुआंग पिल को रिफाइन करने की वजह से काफी थक चुका था, वो उस फ्लेम के अटैक से बचने लगता है, पर वो फिनिक्स से उसका पीछा नहीं छोड़ती। बेई हुआंग जानता था कि ओनली फ्लेम से बच नहीं पाएगा। वो सोचता है कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मार सकता, अगर मैं आज मर गया तो मैं अपने ही हाथों से मरूंगा। और वो अपनी फर्नेस के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपनी लाइफ एनर्जी से एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करता है और उसकी स्पीड उस पिल के साथ ही वहाँ सेवन में चली जाती है। ये देखकर रो किंग को काफी गुस्सा आता है। अब वो जगह भी टूटकर बिखरने लगती है। फिर अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक ग्राउंड को देखते हैं जहाँ लेनुओ मार्शल पैलेस के सिक्स एल्डर आज आउटर एकेडमी के स्टूडेंट का टेस्ट लेने वाले थे, जिनका नाम यानहे होता है। वो सब स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने के लिए मार्शल आर्ट्स को जागृत करने के साथ साथ तुम सभी को अपने माइंड, स्ट्रेंथ और क्रेज को भी कल्टिवेट करने की जरूरत है। उन सभी स्टूडेंट में सुबेतियान नाम का लड़का भी होता है, जो हमारी इस कहानी का मेन हीरो है, जो असल में सुबे हुआंग ही था, जिसने अब अपनी उस एल्फ पिल के साथ पुनर्जन्म ले लिया था। वो सोच रहा होता है कि आज चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर आज मैं अपनी मार्शल आर्ट को रिवाइव करके रहूंगा और एक मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। मास्टर याने कहते हैं कि अभी तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हारी मार्शल आर्ट को चेक करने के लिए एशियन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूंगा। आज जो कोई भी अपनी मार्शल वेंस को एक्टिवेट कर पाएगा वो मेरे लेनुओ मार्शल पैलेस का ऑफिशियल डिसिपल बन जाएगा। और जिन लोगों ने आज प्रीफेक्चर लेवल या उससे ऊपर के मार्शल आर्ट को जागृत कर लिया, वो लोग सीधे ही ज्योग एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग ले पाएंगे। साथ ही इस बार तुम सभी में से जिसका भी मार्शल आर्ट में टैलेंट सबसे अच्छा होगा, उसे मेरे लेनुओ पैलेस की तरफ से वॉइड स्पीड पिल को रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। और वो वॉइड स्पीड पिल को बाहर निकाल लेता है। वहाँ मौजूद लड़कियाँ बातें करने लगती है कि एशियन मेडिसिन कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट बनना सबसे महान प्रोफेशन है और एल्केमिस्ट का हर जगह काफी सम्मान किया जाता है। इस दुनिया में बहुत ही कम एल्केमिस्ट है और इस स्टारफॉल एम्पायर में एल्केमिस्ट की संख्या और भी ज्यादा कम है। टॉप एल्केमिस्ट के द्वारा बनाई गई पिल काफी प्रेशियस होती है। वहाँ मौजूद दो लड़के बातें करने लगते हैं कि लेनुओ मार्शल पैलेस का स्टूडेंट बनना काफी अच्छा है, वहाँ हम तेजी से कल्टिवेशन कर सकते हैं और ये वॉइड स्पीड पिल हमारी कल्टिवेशन स्पीड को काफी गुना बढ़ा सकती है। ये वॉइड स्पीड पिल काफी कीमती होती है। सुबेतियान सोचता है कि मैं इस वॉइड स्पीड पिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन ये पिल मेरे डेट को 5-स्टार मार्शल आर्ट मास्टर में प्रमोट कर सकती है। तभी वहाँ शेन रोयान और मोहन आ जाते हैं। शेन रोयान सुबेतियान को पसंद करती थी, पर वो काफी एरोगेंट थी, इसीलिए सुबेतियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिससे सभी लोगों ने रोयान का काफी मजाक उड़ाया था। इससे वो काफी गुस्सा हुई थी। वो सुबेतियान से कह
कहती है कि तुम अपनी इस छोटी सी पावर के साथ वाइड स्पीड पिल को प्राप्त नहीं कर सकते। सुबह इतियान कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा पीसफुल रहना चाहिए। तुम एक नैरो माइंडेड गर्ल हो जिससे तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। मोहन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो रहे हो। तुम सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति हो जिसे मेरे सीनियर हान फेंग ने एक अच्छा सबक सिखाया था। तुम्हारी सू फैमिली जल्दी खत्म होने वाली है। जल्दी तुम्हारी पूरी फैमिली पर मेरे मो परिवार का हक होगा। फिर भी तुम रोयान पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम अपनी स्थिति नहीं जानते? वहाँ मौजूद लड़कियों को मोहन और रोयान पर गुस्सा आता है। एक लड़की कहती है कि तुम हमारे सीनियर सुबेतियान को हमेशा परेशान करते हो। तुम में इन्हें चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए तुमने अपने सीनियर का सहारा लिया और अब तुम इन्हें शर्मिंदा कर रहे हो। तुम लोग बिल्कुल भी हम्बल नहीं हो। और सुबेतियान से कहती है कि सीनियर आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये आपके टैलेंट और गुड लक से डरते हैं। रोयान को इससे सुबेतियान पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या तुम हमेशा सिर्फ लड़कियों के पीछे चिपकर रहते हो? सुबेतियान मोहन से कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा बोलती है। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इस लड़की रोयान से प्यार करने लगे हो। लगता है तुम्हें इस लड़की की बकवास भरी बातें काफी अच्छी लगती है। उन तीनों को झगड़ता देखकर मास्टर यान है उन्हें शांत रहने को कहते हैं और पूछते हैं कि तुम किस बारे में बहस कर रहे हो। सुबेतियान विनम्रता पूर्वक उन्हें कहता है कि आपको इनकी इन फिजूल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और टेस्ट को स्टार्ट करना चाहिए। देखते हैं कि मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने में आज सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन है। मास्टर यान कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले तुम घायल हो गए थे जिससे तुम्हारी मेरिडियंस डैमेज हो गई, और तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए अब मार्शल आर्ट को जागृत करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सुबेतियान कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी चिंता है, पर मेरी मेरिडियंस अब लगभग ठीक हो चुकी है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अब मार्शल आर्ट को जागृत कर सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो इस मार्शल आर्ट को रिवाइव करने के टेस्ट को सबसे पहले तुम ही शुरू करोगे। एक लड़की सुबेतियान से कहती है कि हमें आप पर पूरा विश्वास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से ग्रेड के मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करोगे। अगर आपकी पावर कम हुई तब भी हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। तभी हम दूर पहाड़ पर मौजूद एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किंगी होता है। वो अपनी सर्वेंट के साथ वहाँ आई हुई होती है जिसका नाम स्पाइडर होता है। किंगी सुबेतियान की फियोंसे होती है क्योंकि बचपन में ही उन दोनों की शादी तय हो गई थी। सुबेतियान के ग्रैंडपा एक ग्रेट एल्केमिस्ट थे जिन्होंने किंगी के दादाजी की जान बचाई थी, इसीलिए उन दोनों ने अपनी दोस्ती के चलते उनकी शादी तय कर दी थी। स्पाइडर किंगी से कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपका मंगेतर इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। किंगी कहती है कि मुझे उसके टैलेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उससे यहाँ सिर्फ एक डील करने आई हूँ। सुबेतियान अपनी मार्शल आर्ट को रिवाइव करने के लिए ऊपर एशियन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। मोहन सोचता है कि भले ही आज ये अपनी मार्शल आर्ट को जागृत करके एक वॉरियर बन जाए, पर फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। मेरी मो फैमिली जल्दी ही इसकी सू फैमिली की जगह ले लेगी और लेनवो सिटी की नई लीडिंग फैमिली बन जाएगी। जब मेरी पावर ज्यादा बढ़ेगी तब मैं इसे खुद अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा। मास्टर सभी को बताते हैं कि किसी के मार्शल मेरिडियंस को जागृत करने के लिए अगरबत्ती के जलने के जितना समय लगता है। अगर तुम इतने समय में अपनी मार्शल मेरिडियंस को जागृत नहीं कर पाए तो तुम कभी एक वॉरियर नहीं बन पाओगे और हमेशा एक मामूली इंसान रहोगे। सुबेतियान उनकी बात समझ जाता है और अब वो फॉर्मेशन के बीच बैठ जाता है और कल्टिवेशन करके अपनी मार्शल मेरिडियंस को रिवाइव करने लगता है। वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसकी बॉडी में मार्शल मेरिडियंस बनने लग जाती है, पर इससे उसे काफी दर्द होता है जिससे उसके मुंह से भी खून निकल आता है। ये देखकर मोहन और रोयान मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि लड़का सिर्फ कचरे के अलावा और कुछ नहीं है। सुबेतियान उस दर्द को सहन करता है और सोचता है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मुझे अपनी मार्शल आर्ट को जागृत करना है। अब उसे अपने पिछले जन्म की बातें भी याद आने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी में मौजूद एल्फ निर्वाणा पिल एक्टिवेट हो गई थी। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वो एक ग्रेट एल्केमिस्ट था। वो और रो किंग एक दूसरे से प्यार करते थे, पर रो किंग ने उसे धोखा दिया। उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी में यिंग और यांग का एलिक्सिर मौजूद है जो पिछले जन्म से उसे मिला था, और अब मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने की वजह से उसके पिछले जन्म की सभी यादें लौट आई थी, जिससे वो बहुत खुश होता है कि गॉड अभी भी मेरे साथ है। पिछली बार रो किंग ने मुझे नंबर वन एल्केमिस्ट बनने से रोक लिया था, पर इस बार मैं एक महान एल्केमिस्ट बनकर रहूंगा। रोयान मास्टर से कहती
कहती है कि यह सुबेतियान एक जोकर है जो सिर्फ इन लड़कियों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि अपनी मार्शल मेरी डियंस को एक्टिवेट कर पाएगा क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मास्टर को भी ऐसा ही लगता है और वो रोयान को फॉर्मेशन के पास आने को कहते हैं। रोयान सोचती है कि इस लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था जिससे सभी ने मेरा काफी मजाक उड़ाया। उस दिन का बदला मैं आज लेकर रहूंगी। मैं अपनी मार्शल मेरिडियंस को जागृत करने के बाद इसे अपनी पावर का एहसास करवाऊंगी। तभी सुबेतियान की बॉडी में से तेज एनर्जी निकलने लगती है जिससे उस एशियंट फॉर्मेशन के सभी 6 स्टोन ग्लो करने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मास्टर भी काफी हैरान थे क्योंकि सुबेतियान ने हेवन लेवल की फायर टाइप मार्शल आर्ट को एक्टिवेट किया था। फायर मार्शल मेरिडियंस सबसे रेयर मार्शल मेरिडियंस है और इसे 100 मार्शल मेरिडियंस में से सबसे बेस्ट माना जा सकता है। सुबेतियान ने न केवल फायर मार्शल आर्ट मेरिडियंस को जागृत किया बल्कि उसका लेवल भी काफी ऊपर पहुंच गया है। इस तरह का टैलेंट ज्वेलन हो मेंशन के स्टूडेंट को मात देने के लिए काफी होगा। रोयान को इस पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि ये कभी सच नहीं हो सकता, ये लड़का सिर्फ एक कचरा है। वहाँ मौजूद बाकी गर्ल्स काफी खुश हो रही थी और वो कहती है कि सीनियर वाकई काफी टैलेंटेड है। तभी सुबेतियान अपनी दूसरी मार्शल मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उन फॉर्मेशन क्रिस्टल का कलर बदल जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट वापस से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यूलिंग क्रिस्टल की रोशनी अचानक नीली कैसे हो गई। मास्टर काफी हैरान थे। वो कहते हैं कि लड़का अनपैरेलल्ड जीनियस है, इसने फायर एंड आइस की ड्यूअल एलिमेंट हेवन लेवल की मार्शल आर्ट को जागृत किया। स्पाइडर भी ये सब देख रही थी। वो कहती है कि सुबेतियान वास्तव में इंटरेस्टिंग है और वो किंग से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लड़का बिल्कुल आपकी तरह टैलेंटेड होगा, इसके पास भी 2 हेवन लेवल की मार्शल आर्ट्स है। सुबेतियान अब अपनी मार्शल आर्ट को डीएक्टिवेट कर लेता है और वो मास्टर से कहता है कि क्या अब आपको एहसास हो गया कि मैं मार्शल आर्ट रिवाइवल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। पर अब हान फेंग भी वहाँ गया था। वो कहता है कि मास्टर इस लड़के ने आपको धोखा दिया। सभी हान फेंग को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लेन हुआ पैलेस का टैलेंटेड पर्सन है, ये वही है जिसने कुछ दिनों पहले सुबेतियान को घायल कर दिया था और उसे बेरहमी से पीटा था। सुबेतियान को भी उस पर गुस्सा आता है। मास्टर हान फेंग से कहते हैं कि क्या तुम साबित कर सकते हो कि सुबेतियान ने इस टेस्ट में कोई चालाकी की है। हान फेंग कहता है कि मैंने कुछ दिनों पहले सुबेतियान से फाइट की थी, उस वक्त इसकी मेरिडियंस ब्लॉक्ड थी और इसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, इसीलिए फायर एंड आइस की हेवन लेवल मार्शल आर्ट को एक ऐसे रिवाइव कर सकता है। मैंने सुना है कि सुब फैमिली के पास एक खास तरह का एलिक्सिर है जिसे पीने के बाद मार्शल आर्ट के रिवाइव होने का इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि सुबेतियान ने सभी को बेवकूफ बनाने के लिए उसी एलिक्सिर का इस्तेमाल किया होगा और सभी को लगा कि इसने 2 तरह की हेवन लेवल मार्शल आर्ट को रिवाइव किया है। मोहन भी आगे आकर कहता है कि मुझे सीनियर हान फेंग की बातों पर पूरा ट्रस्ट है, ये सुबेतियान बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, ये जरूर हम सभी को धोखा दे रहा है। सुबेतियान मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम मुझ पर बेवजह आरोप लगा रहे हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे पास 2 टाइप की मार्शल आर्ट है या नहीं तो हम आपस में एक फाइट कर सकते हैं अगर तुम्हें मुझसे फाइट करने का साहस हो। हान फेंग कहता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उस एलिक्सिर को पीने के बाद नकली मार्शल आर्ट से तुम मेरा सामना कर पाओगे? लगता है तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और वो भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर कहते हैं कि क्या तुम दोनों वास्तव में एक दूसरे से लड़ना चाहते हो? सुबेतियान विनम्रता पूर्वक हाँ में जवाब देता है तो मास्टर अपनी पावर से वहाँ उनके लड़ने के लिए एक एरिया बना देते हैं और बताते हैं कि मैंने यहाँ बर्फ की बॉर्डर से एक फाइट ग्राउंड बना दिया है, जो भी इससे बाहर निकलेगा उसे हारा हुआ माना जाएगा। सुबेतियान और हान फेंग लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।